कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। 150 दिनों की उनकी ये यात्रा दक्षिण में भारत के आखिरी शहर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई है। कांग्रेस सांसद की यह यात्रा विवादों में है। दरअसल राहुल गांधी ने कैथोलिक पादरी जॉर्ज पोनिया से मुलाकात की। इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी वजह यह है कि तमिल पादरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में पादरी पोनिया राहुल गांधी को यीशु मसीह के बारे में समझाते नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि पोनिया अपने भड़काऊ बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं। पोनिया के ऊपर हिंदुओं के विरुद्ध भड़काऊ बयान देने का आरोप लग चुका है। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के कारण हवालात की सैर भी कर चुके हैं। पिछले साल जुलाई में उन्हें मदुरै से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राहुल गांधी ने जॉर्ज पोनिया से चर्च में जाकर मुलाकात की थी। ऐसे में इस मुलाकात पर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। सामने आए वीडियो में राहुल गांधी का पोनिया बताते दिख रहे हैं कि केवल जीसस क्राइस्ट ही एकमात्र वास्तविक भगवान है, कोई शक्ति देवी या देवता भगवान नहीं है। वीडियो में राहुल गांधी पादरी से पूछते दिख रहे हैं कि क्या जीसस क्राइस्ट भगवान का रूप है, यह सही है? इस पर पादरी जॉर्ज पोनिया ने कहा कि जीसस क्राइस्ट ही वास्तविक ईश्वर है, कोई और शक्ति या बाकी देवता नहीं। वो आगे कहते हैं कि भगवान ने खुद को एक इंसान के रूप में प्रकट किया है, एक वास्तविक इंसान, किसी शक्ति की तरह नहीं, इसलिए हम उसकी शख्सियत को एक मानव के तौर पर देखते हैं। दरअसल पोनिया का इतिहास भड़काऊ बयान से जुड़ा हुआ है, इसके चलते वो मुश्किलों में भी आ चुके हैं। इसको देखते हुए राहुल गांधी की उनके साथ मुलाकात विवादों में है। राहुल गांधी की पादरी से मुलाकात पर भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, यह राहुल गांधी का नफरत जोड़ो अभियान है। जिस शख्स ने भारत माता के बारे में हिंदुओं को चुनौती दी, धमकी दी और अनुचित बातें कही, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर बॉय बनाया है। पूनावाला ने कहा कि पादरी जॉर्ज ने अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जूते पहनता हूँ क्योंकि भारत माता की गंदगी हमें दूषित न करे। गौरतलब है कि जॉर्ज पोनिया पादरी है। अपने कई विवादित बयानों के चलते वो सुर्खियों में आ चुके हैं। पोनिया को पिछले साल जुलाई में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।